नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने गुड़ली तो पराई नामक कहानी का दूसरा भाग तक पढ़ा है। आज हमें इसका तीसरा भाग देखना है। देखिए, पहले लड़के को अपना धन और लड़की को पराया धन माना जाता था। लड़कियों को अपने घर में कोई अधिकार नहीं था। इस कहानी में भी उसी प्रकार है। कहानी में प्रमुख पात्र गुड़ली है। गुड़ली को भी अपने घर में उसी प्रकार मानती है, लेकिन वह बहुत दुखी है। आगे देखिए, गुड़ली रोने लगी तो बुआ ने डांटा, क्या शादी के घर में मनहूसियत फैला रही है? तभी माँ ने अपने हाथ से उसका नाम कार्ड पर लिख दिया। ये अक्षर छपाई जैसे नहीं थे, फिर भी गुड़ली माँ के प्यार से मान गई। देखिए, गुड़ली के दीदी के शादी के समय था। उस समय जो कार्ड छपवाकर आए, वहाँ घर के सबके नाम कार्ड में है, लेकिन सिर्फ गुड़ली का नाम नहीं था। उस समय गुड़ली को दुख हुआ और वह रोने लगी। आगे देखिए, तो बुआ ने डांटा, क्या शादी के घर में मनहूसियत फैला रही है? मनहूसियत माने अशुभ। क्या आप इस घर में अशुभ फैला रही है? तभी माँ ने अपने हाथ से उसका नाम कार्ड पर लिख दिया। उस समय गुड़ली के माँ ने अपने हाथ से उसकी नाम कार्ड में लिख दिया। ये अक्षर छपाई जैसे नहीं थे, फिर भी गुड़ली माँ के प्यार से मान गई। गुड़ली को लगा कि माँ प्यार से ये किया, इसलिए वह मान गई। ठीक है, आगे देखिए। पर अब तो हद हो गई और गुड़ली चुप रहने वालों में से नहीं है। वो अपनी दीदी के साथ बिताए मजेदार दिनों की याद करने लगी। साथ साथ कहानियां पढ़ना, गाने गाना, चित्र बनाना, मस्ती करना और खूब हंसना। पर शादी के 3 दिन बाद जब दीदी घर आई तो एकदम बदल चुकी थी। न पहले जैसे मस्तीखोर, न बातूनी। अब वो साड़ी पहन सिमटी सिमटी रहने लगी थी। देखिए, गुड़ली घर के सारी बातों को याद करती थी। वह दीदी के बारे में सोचती है। पर अब तो हद हो गई और गुड़ली चुप रहने वालों में से नहीं है। वो अपनी दीदी के साथ बिताए मजेदार दिनों की याद करने लगी। साथ साथ कहानियां पढ़ना, गाने गाना, चित्र बनाना, मस्ती करना और खूब हंसना। देखिए, दीदी शादी के पहले उसके साथ बहुत अधिक कहानियां पढ़ती थी, गीत गाती थी, चित्र बनती थी, मस्ती करती थी, लेकिन शादी के बाद वो तो एकदम बदल चुकी थी। पर शादी के 3 दिन बाद जब दीदी घर आई तो एकदम बदल चुकी थी। न पहले जैसी मस्ती खोर, न बातूनी। वह किसी से अधिक बातें नहीं करती थी और उसे न खुशी भी थी। अब वो साड़ी पहन सिमटी सिमटी रहने लगी थी। देखे, वह साड़ी ही पहनकर बहुत उदास भी रहती थी और सिमटी सिमटी करने, सिमटना माने टू कंट्रैक्ट। आगे देखिए, और जिस भाई को वो नकटू कहकर बुलाती थी, उसे अब वो भैया कहने लगी थी। हालांकि शादी तो भैया की भी हुई है, पर वो अब भी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। खाने में नखरे अब पहले से भी ज्यादा करने लगा है और वो अभी भी दीदी को चुहिया बुलाता है। सब कुछ कितना ऊट पटांग है। देर रात तक यही सब सोचती रही गुड़ली। फिर कुछ सोच मुस्कराई और सो गई। और जिस भाई को वो नकटू कहकर बुलाती थी, उसे अब वो भैया कहने लगी थी। देखिए, शादी के पहले भैया को दीदी नकटू कहकर बुलाती थी, लेकिन शादी के बाद भैया भी कहने लगी थी। हालांकि शादी तो भैया की भी हुई है, पर वो अब भी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। खाने में नखरे अब पहले से भी ज्यादा करने लगा है
और वो अभी भी दीदी को चूहिया बुलाता है। देखिए भैया का शादी भी हो गई है, लेकिन वह तो शादी के बाद भी और स्मार्ट हो गई है। वो सारे समय दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हैं और खाने में नखरे पहले से भी ज्यादा करने लगा है। नखरे माने इंटरेस्ट। और अभी भी दीदी को चूहिया बुलाता है। गुड्डली ये बातें सोचने लगती है, सब कुछ कितना ऊट पटांग है। ऊट पटांग माने डिसऑर्डरली। देर रात तक यही सब सोचती रही गुड्डली। गुड्डली रात के समय ये सारी बातें सोचने लगी, फिर कुछ सोच मुस्कराई और सो गई। आगे देखिए, सुबह गुड्डली उठी और समय से काफी पहले ही स्कूल के लिए तैयार हो गई और खिड़की से बगीचे को निहारने लगी। तभी पाप आए और बोले, बेटा आज पौधों को पानी नहीं पिलाया क्या? नट्टू मतलब भैया से कहो, यह सब उसी का है तो वही करे, और वैसे भी मैं तो पराया धन हूँ, गुड्डली तपाक से बोली। देखिए गुड्डली सुबह उठी और समय से काफी पहले ही स्कूल के लिए तैयार हो गई। वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई और खिड़की से बगीचे को निहारने लगी। निहारना माने टू लुक। तभी पाप आए और बोले, बेटा आज पौधों को पानी नहीं मिलाया क्या? उस समय उसकी पाप आए, पिताजी आए और उससे बोले, क्या आज तुम पौधों को नहीं मिलाया? नकटू मतलब भैया से कहो। उस समय गुड्डली ने उत्तर दिया कि भैया नकटू से कहो, यह सब उसी का है तो वही करे। ये सारी चीजें अपने बेटे का है इसलिए उससे कहो तो वही करे, और वैसे भी मैं तो पराया धन हूँ। गुड्डली ने कहा कि मैं इस घर में पराया हूँ इसलिए ये सारी बातें मैं नहीं करते। गुड्डली तपाक से बोली, तपाक माने एंग्री। आगे देखिए, तभी चौके से राई जी की आवाज आई, गुड्डली अपने ताऊ जी को चाय दिया। गुड्डली धीरे धीरे चौके की दहलीज तक गई और बोली, देखिए ताई जी मैं पराई हूँ यानी मेहमान, मुझसे काम करवाना कुछ अच्छी बात नहीं है। देखिए उस समय ताई जी की आवाज आई। ताई जी कौन है? वाइफ ऑफ फादर्स एल्डर ब्रदर। वो तो गुड्डली से कहा कि अपने ताऊ जी को चाय दे आ। गुड्डली धीरे धीरे चौके की दहलीज तक गई और बोली, देखिए ताई जी मैं पराई हूँ यानी मेहमान। उस समय गुड्डली ने उत्तर दिया कि मैं घर के पराया धन हूँ यानी मेहमान। मेहमान माने गेस्ट, इसलिए मुझसे काम करवाना कुछ अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, ताई जी ने गुड्डली की तरफ देखा और हा हा कह चाय देने चली गई। माँ गुड्डली को अभी टिफिन पैक करने को बोलने वाली थी, पर यह सब सुनकर खुद ही करने लगी। तभी भाईया आ गया। गुड्डलिया अपने नानू को खाना नहीं दिया? देखो भाई साहब, आप कुल दीपक हो, यह घर यह बगीचा और यह नानू सब आपका ही है, तो बेहतर होगा आप ही इन सब की देखभाल करें। और वैसे भी मैं तो पराई अमानत हूँ। सब मुख बाए गुड्डली को देखते रहे और गुड्डली टिफिन बैग उड़ाकर स्कूल के लिए चल दी। देखिए गुड्डली की ये सारी बातें सुनकर ताई जी हंसकर चाय देने चली गई। माँ गुड्डली को अभी टिफिन पैक करने को बोलने वाली थी, पर यह सब सुनकर खुद ही करने लगी। माँ गुड्डली को टिफिन पैक करने को बोलने वाली थी, लेकिन यह सब सुनकर वह स्वयं ही करने लगी। तभी भैया आ गया। गुड्डलिया अपने नानू को खाना नहीं दिया। उस समय भैया आया और गुड्डली से नानू को खाना देने को कहा, लेकिन गुड्डली ने कहा कि नहीं भाई साहब, आप कुल इस घर का दीपक है इसलिए ये सारी बातें आप ही खुद करना, और वैसे भी मैं तो पराई अमानत हूँ। गुड्डली ने कहा कि मैं तो इस घर का पराया हूँ, तुम भी इस घर के अमानत हो।
इसलिए आप ही ये सारी काम खुद ही करना पड़ेगा। सब मुंह बाएं गुड्डली को देखते रहे और गुड्डली टिफिन बैग उठाकर स्कूल के लिए चल दी। ये सारी बातें सुनकर घर के सब लोग गुड्डली की ओर देखा और गुड्डली टिफिन बैग उठाकर स्कूल के लिए चल दी। स्टूडेंट्स, टुडे वी सी द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी गुड्डली तो पराई है, रिटन बाय कंग शशि। गुड्डली रिमेंबर्स अबाउट द पास्ट। व्हेन हर नेम वाज नॉट ऑन हर सिस्टर्स वेडिंग इनविटेशन, her mother added her name in the card in her own handwriting. She thought that her sister was very smart before marriage and after her marriage she became very modest. But in the case of her brother, everything reversed. He became more smarter after his marriage. The next day, when she was asked to do the household works, she replied that none of that matters to her because she is the property of another house. She also added that her brother is the wealth of her own family and not her. The family was shocked for a moment by hearing this reply. After saying this, she took her bag and went to school. In this lesson, we can see the gender inequality prevailed in ancient India. But here, we can see Gudali as a responsive girl. Okay? Bachchon, गुड्डली तो पराई नामक पाठभाग यहाँ समाप्त होती है। देखिए, समाज में कई प्रकार की असमानताएं हैं। स्त्री होने के नाते कुछ हकों से वंचित होना उचित नहीं है। संविधान लड़कियों और लड़कों को समान अधिकार और अवसर देता है। सबका ही लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी अधिकार प्रदान करना है। बच्चों, मैं सोचता हूँ कि ये पाठभाग सबको समझ गई है। धन्यवाद।